ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वसुधा के अंचल पर कवि जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो में इस कविता पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। सबसे पहले हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1890 को उत्तर प्रदेश काशी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। दीन बंधु ब्रह्मचारी जैसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक के द्वारा संस्कृत ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत के साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा पारसी का भी गहन अध्ययन किया। वेद, पुराण, इतिहास तथा साहित्य शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से आपने नाटकों को नई दिशा प्रदान की। नाटकों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना तथा भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी काव्य रचना का प्रारंभ ब्रज भाषा से किया, परंतु धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इसी से अपनी काव्य रचनाओं का अलंकरण आपने किया और मात्र 48 वर्ष की अवस्था में 15 नवंबर सन 1937 को इस संसार से विदा हो गए। अब हम ससंदर्भ व्याख्या के प्रारूप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अच्छी तरह समझाया गया है छात्रों कि ससंदर्भ व्याख्या लिखते समय आपको पूरे पदों को उतारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल संकेत रूप में लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। कवि परिचय, संक्षिप्त परिचय, प्रसंग, किताब व कविता का नाम, संदर्भ में पद्य कौन किससे कह रहा है, व्याख्या में पद के अर्थ को विस्तारपूर्वक समझाना है, विशेषता में कवि का संदेश एवं सीख तथा भाषा शैली और कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। पहले पद में आपको प्रारूप के अनुसार उत्तर लिखकर बताया गया है, लेकिन अगले पदों में केवल हम व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या की ओर ध्यान देंगे। पहला पद है, वसुधा के अंचल पर यह क्या कनकन सा बिखर गया, जल शिशु की चंचल क्रीड़ा सा जैसे सरसी डाल पर। यहाँ संकेत रूप आप देख रहे हैं, कवि परिचय पूर्ववत रहेगा, प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य स्पंदन कविता संग्रह की कविता वसुधा के अंचल पर से ली गई है। संदर्भ है, धरती पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाया है। व्याख्या है, धरती के आंचल पर ओस की बिखरी बूंदों के लिए कवि प्रश्न करते हैं कि यह समूची धरती पर यह क्या फैल गया है। कमल के सुंदर पुष्प पर जल के कण, ओस के कण इस प्रकार लगते हैं जैसे छोटा बच्चा पानी में खेल रहा है और उसके मुख पर पानी की बूंदें सुंदरता को बढ़ा रही है। विशेषता है, धरती की सुंदरता का वर्णन किया है, जीवन की निरंतरता की ओर ध्यान खींचा है तथा भाषा सरल और सुबोध है। कठिन शब्द है, वसुधा, धरती, सरसिज, कमल। अब दूसरे पद में हम केवल व्याख्या और कठिन शब्दों की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पद है, लालसा निराशा में ढलमल, वेदना और सुख में विफल, यह या है रे मानव जीवन, कितना है रहा निखर। व्याख्या, मानव जीवन कितना निखर रहा है कि एक ओर लालच के कारण निराशा जन्म ले रही है जिससे जीवन अस्त व्यस्त है, तो दूसरी ओर सुख दुख के बादलों का आना जाना लगा है। यही मानव जीवन है जिसमें सुख दुख आशा निराशा का मेला लगा ही रहता है। कठिन शब्द है, ढलमल, अस्थिर, विफल, परेशान। तीसरा पद है, मिलने चलते अब दो कण, आकर्षण में चुंबन बन, दल के नस नस में बह जाती लघु लघु धारा समंदर सुंदर। व्याख्या है, दो कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर चुंबन के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जो ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति को जन्म देती है और यह आकर्षण संपूर्ण दल को अपनी तरफ खींचता है जो जीवंतता का प्रमाण है। हर प्राणी में जीवन की खुशियों का सुंदर संचार हो जाता है। कठिन शब्द है, लघु लघु मतलब छोटे छोटे। चौथा पद है, हिलता डुलता चंचल दल, ये सब कितने हैं रहे मचल, चंचल कन कन अनंत अम्बुदी बनते, कब रुकती लीला निष्ठुर। व्याख्या है, संसार की चंचलता को देखकर कवि कहते हैं कि चारों ओर एक सुंदर गतिमान दृश्य उभर रहा है, इसकी सुंदरता बखान न की जा सकती है और न और यह छोटे छोटे कण मिलकर विशाल आकाश का निर्माण करते हैं। भगवान की यह लीला कभी भी नहीं रुकती है
और यह निरंतर क्रम चलता ही रहता है। शब्दार्थ अम्बुधि, बाधल, निष्ठुर, निर्दयी। पांचवा और अंतिम पद है, तब क्यों रे यह सब क्यों, यह रोष भरी लाली क्यों, गिरने दे नैनों से उज्जवल आंसू के कण मनहर वसुधा के अंचल पर। कवि कहते हैं कि जब इस संसार का यही क्रम है तब जीवन के प्रति इतना गुस्सा क्यों, चेहरा गुस्से में लाल क्यों करते हो, अपनी आंखों से आंसू धरती के सुंदर आंचल पर गिरने दो, गुस्से को रोको मत, आंसुओं के रूप में गुस्सा निकल जाने दो, और जब समय आएगा तो जीवन में खुशियों की बारिश भी होगी, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। शब्दार्थ हैं रोष, गुस्सा, मनहर, मन को अच्छा लगने वाला। इस प्रकार साथियों पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य सुझाव दें, अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।